उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो मैं आज बना रही हूँ आलू के मज़ेदार पकौड़े बहुत आसानी के साथ और बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। ये असल तरीका है आलू के पकौड़े बनाने का, क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है तो हम लोग जो है ना पकौड़े ज़रूर बना के खाते हैं। जैसे कि सबको मालूम है कि हम पाकिस्तानियों की जो अफ्तारी पकौड़ों के बगैर होती ही नहीं है। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ धनिया, धनिया मैं काट लूँगी, मिर्चियाँ 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पे ली हैं क्योंकि अफ्तारी से हो रही है देर और मैंने ये पकौड़े फ्राई भी करने हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की अफ्तारी तो पकौड़ों के बगैर है ही अधूरी, डेली रूटीन है पकौड़े बनाना, तो सोचा क्यों ना आज मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। कर दूँगी स्पाइसी, थोड़ी सी मैं लाल मिर्च शामिल करूँगी, तकरीबन 1/4 टेबल स्पून नमक हसबे ज़ायका, हल्दी शामिल करूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, धनिया यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, इसे मैं क्रश कर लूँगी हाथ से। अच्छा इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों में, आप चाहें तो अनारदाना भी शामिल कर सकती हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन 1 प्याली, आप अपने हिसाब के मुताबिक ना बेसन इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोग जो है ना ज़्यादा बेसन वाले पकौड़े खाते हैं और कुछ कम बेसन वाले खाते हैं, तो मैं तो अपने घर के हिसाब के मुताबिक बना रही हूँ, तो आप भी अपने घर के हिसाब के मुताबिक बेसन का इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी हमेशा जब भी आप ऐड करें ना तो कम ही इस्तेमाल करें, पहले अच्छी तरह से देख लें, जब ज़रूरत पड़े फिर बाकी का पानी इस्तेमाल करें। अच्छा बेसन जो है कम पड़ गया है, मैं ना और ऐड करने लगी हूँ, आप बेसन या पानी कम पड़ जाए ना तो और शामिल कर सकते हैं। इतने इजी पकौड़े बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, डेली रूटीन में बनते हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है तरीका सबका डिफरेंट होता है। अच्छा ऑयल गर्म होने के लिए मैंने चूल्हे पर रख दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं फ्राई करने लगी हूँ पकौड़े। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पकौड़े जो है मैं फ्राई करने लगी हूँ यार, अफ्तारी का टाइम करीब है और मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। मैंने ऑयल जो है तेज आंच पे गरम करके ना फ्लेम जो है ना मीडियम पे कर दिया है, ताकि पकौड़े जो है क्रिस्पी बने। तेज आंच पे कभी भी पकौड़े फ्राई नहीं करने होते, फ्लेम जो हमेशा मीडियम रखना होता है। माशाल्लाह हमारे पकौड़े तैयार हैं, अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ कढ़ाई से बाहर। टेस्टी आलू के पकौड़े, और ये है हमारे मज़ेदार इमरजेंसी पकौड़े। आपको जब कभी जल्दी पकौड़े बनाने हो तो आप ऐसे ही बनाएं, क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत टेस्टी भी बनते हैं ना। आप तैयार है मज़ेदार आलू के पकौड़े, ये है इमरजेंसी पकौड़े, मैं इनको इमरजेंसी पकौड़े इसलिए कहते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं और बनते भी बहुत मज़े के हैं। तो कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ज़्यादा। तो अच्छा मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, मिलती हूँ किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सबकी इबादत और रोज़े रखना कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।